तो दोस्तों ये सभी लोगों ने मिलकर ये जो कोल माइन एरिया है जिसके ऊपर कैप्सूल गिल फिल्म बन रहा है उसको दिखाने में इन चारों लोगों ने मेरी मदद की है। तो इनके लिए दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वो देख सकते हैं, मेरा वो गाइड आ रहा है, वो छोटा लड़का यहीं रहता है और वही मुझे चारों जानकारी देगा चारों तरफ की कि आखिर कहाँ पर वो जगह है। तो यही मेरा गाइड है, गाइड से मिलवाते हैं आपको। ये देखिए ये गाइड आ चुका है, तो ये है मेरा गाइड, इससे मिले, बोलो हाय। हाय। तो ये जो है मुझे पूरा इलाके का दर्शन कराएगा कि कहाँ पर वो इलाका है जहाँ पर ये घटना घटी थी। ये मुझे लेकर जाएगा, बाइक ले लिए हैं, हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, ब्लॉग लंबा होगा लेकिन पूरा इंफॉर्मेटिव होगा, पूरा आप लोगों को दिखाएंगे कि इस इलाके में आखिर हुआ क्या था। उस जगह पर ले जाएंगे आपको, उस जगह पर ले जाकर पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना अभी आपको हल्का फल्का जंगल, यहाँ एक ग्राउंड भी मिल रहा है। एक्चुअली ये पूरा कोल माइन एरिया है और ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में इसको यहाँ के सरकार ने लगाया है क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन है वो खोखला है और मैं खोखले ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ और नीचे पूरा कोयला ही कोयला है जहाँ से कोयला निकाल लिया गया है। अभी लगभग ज़मीन ये खोखला है और इसी इधर में ही वो इलाका है जहाँ पर 1989 को जो है ज़मीन के अंदर पानी घुस गया था और लगभग 220 लोग फंस गए थे। उनको बचाने के लिए उस वक्त का जो इंजीनियर था वो ज़मीन के अंदर गए थे और उनमें से जो 64 लोग फंसे हुए थे उनको बचाए थे, बाकी के जो 6 लोग थे वो उसी वक्त मर गए थे। तो पूरा देख सकते हैं, पूरा आपको दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है ये पूरा कोल माइन एरिया है। मैं रानीगंज के इस वक्त उसी महावीर इलाके पर हूँ जहाँ का ये घटना घटा था। बड़ा इलाका है, पूरा इलाका आपको घूर घूर कर दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं रेल लाइन की तरफ, उधर भी खदान है, खदान आपको दिखाएंगे और उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर ज़मीन के नीचे पानी घुसा था और कैसे वो जगह अभी वीरान पड़ा हुआ है, कैसे उन लोगों को निकाला गया, पूरा आपको दिखाएंगे। ये आपको सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, इसी रास्ते से होकर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ये पूरा फाका रास्ता जो है उधर चला जाएगा। हालांकि मेरे पास अभी बाइक में मोबाइल होल्डर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में रोक रोक कर रास्ते का सीन बनाते रहेंगे। ये लोग यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, जो लोग देखेंगे इन लोग से थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये पूरा कोयला का इलाका है ना, कहाँ कहाँ से कोयला निकल रहा है थोड़ा बताइए हम लोग का दर्शन। इधर में खदान है, इधर में खदान से स्टार्ट हुआ, कहाँ से लेके पूरा। ये क्या, ये गड्ढा है सामने जी? खदान है, गड्ढा। अच्छा, ये वहाँ पर अभी बंद हो गया है। और ये देखो बाइक, बाइक चाबी डबार करी थी, चाबी डबार करो ना। तो भट्टा के ऊपर में चैनल था एक बार। अच्छा चलिए इधर थोड़ा आके दिखा, थोड़ा आइए। तो इधर में चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि कहीं पर इधर भी खदान था पहले, अभी बंद हो चुका है ना, बंद हो चुका है। यहाँ पर ईटा का भट्टा भी था, देख सकते हैं सामने आप लोगों को एक भट्टा नजर आ रहा होगा। मैं बैक कैमरा को ऑन करके पूरा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि थोड़ा जंगली इलाका है लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग करने के लिए मैं आ चुका हूँ। ये देखिए मैंने वहाँ पर अपना बाइक खड़ा कर दिया है और वीरान इलाके में आप चारों तरफ से देखिए और चलते हैं आगे। ये मेरे सपोर्टर है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ये लोग कि कहाँ पर है खदान। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं खदान क्या होता है और किस तरह से ज़मीन जो है नष्ट हो जाता है, आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ पूरा गड्ढा ही है। हाँ, ये पूरा फाका इलाका है, ये देखिए ये बता रहे पूरा फाका इलाका है। अच्छा इधर कुछ भी नहीं रहता है? नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल सारा कुछ नहीं रहता। अच्छा इधर में केवल आपको जंगल मिलता है? अच्छा है, बहुत फाका है, जंगल का ही पार में बहुत घर है, डोम पड़ा में बहुत घर है, जंगल का ही पार में खाली घर है, ये लाइन में किसी का घर नहीं, इधर खाली खदान है। अब ये खदान है, गड्ढा गुड्ढी बुरा है। अच्छा पानी है, खदान का नीचे पानी है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये डाउन इलाका है, ये अब हम नीचे चले जाएंगे, नीचे कोई दिक्कत है नीचे जाने से? कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए थोड़ा नीचे जाके हम लोग देखते हैं। तो जंगली इलाका है लेकिन घुस के आप लोग को पूरा दिखाएंगे।
कि कैसे ये पूरा खदान है। और नीचे देखिए, नीचे की तरफ ही हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं पूरा जंगली इलाका है और नीचे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए सामने में पूरा डाउन है, इसी को खदान बोलते हैं। अच्छा, इधर में थोड़ा संभल के उतरना पड़ रहा है, रास्ता बहुत डाउन है। बैक कैमरा को ऑन करके पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा डाउन इलाका है। चले सो ये देखिए, यहाँ पर ये हम जमीन से देखिए नीचे जा रहे हैं। इधर का कोयला निकाल लिया गया है, अब पेड़ लगा दिया गया है। ये जो आपको पेड़ नजर आ रहा है, ये वास्तव में पहले ऐसा नहीं था। देखिए हम नीचे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ देखिए ये सब कोयला निकाल लिया गया है। देखिए किस तरह से गड्ढा करके कोयला निकाला जाता था पहले। इसी जगह के ऊपर अक्षय कुमार फिल्म बना रहे हैं कैप्सूल गिल, और देखिए उसी जगह पर हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब देखिए, ये अंदर से गड्ढा है पूरा। देखिए बोर्ड बनी तो ना, ना, ये देखिए, ये अंदर में देखिए किस तरह से गड्ढा हुआ करता था, यहाँ से कोयला निकाला जाता था। आप लोग देख सकते हैं यही पर, देखिए अंदर में आपको अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए वहां से पूरा सुरंग टाइप का है। इसके अंदर से सोचिए ये खोखला है, ये जमीन खोखला है। ये ऊपर का देखिए, हम लोग देखिए कितना ऊपर से नीचे आए हुए हैं। देख सकते हैं जमीन किस तरह से हम लोग नीचे चले आए हैं। एक खदान है यहाँ पर, थोड़ा जंगल झाड़ी जरूर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा आपको दिखाने की। कहाँ पर चल और भी नीचे जा रहे हैं। चलिए पूरा नीचे तक जाके दिखाएं। ये पूरा इंडिया देखेगा ना इसको, पूरा भारत में देखेगा सब लोग। तो हम लोग और भी नीचे जा रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरा जमीन के नीचे हम लोग आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा गड्ढा, देखिए हम लोग कितना नीचे आ गए हैं। इस सब तरफ से कोयला निकाला गया है, और कोयला निकालकर इस जगह को देखिए इस तरह से बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गड्ढा है। ऊपर से हम लोग कितना ऊपर से नीचे आ गए हैं पहाड़ से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी जगह को पसंद किया गया है बॉलीवुड की तरफ से फिल्म बनाने के लिए, और अक्षय कुमार का फिल्म आ रहा है कैप्सूल गिल इसी स्थान के ऊपर में। बहुत बड़ा जगह है, मैं कोशिश करूंगा, पूरा ब्लॉग लंबा होगा लेकिन पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसके अंदर पानी है, बहुत पानी है, सुन है। अच्छा, अभी तक कोयला के लिए बंद करवा दिया। अच्छा, सुविधा के लिए देख सकते हैं दोस्तों, ये कोयला का चट्टान है। ये इसके अंदर अभी भी कोयला है, लेकिन पानी भरा हुआ है इसमें। उसी पानी में बहुत से लोग फंस गए थे, और सब सोख दिया, आदमी का जान बचाने के लिए सोख दिया। ये देखिए यहाँ पर नीचे में कवर कर दिया गया है, पूरा नीचे गड्ढा है। अभी यहाँ से 150 फुट गड्ढा आपको और मिलेगा। ये लोग भाई लोग हैं, ये भाई लोग हमको यहाँ तक लेके आए हैं। मुझको तो इस जगह का आइडिया ही नहीं था, पूरा जंगल में हम लोग आ गए हैं। देखिए ये है, ये लड़का है, ये है, ये है मेरा गाइड, पूरा हमको यहाँ तक लेकर आया है। और ये कोयला का चट्टान है, आदमी का जान बचाने के लिए इसको अभी इस तरह से आपको मिट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको साफ किया जाए तो एक काला काला नजर आएगा। और इसके नीचे देखिए ये पूरा पानी भरता है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये कुछ दूर तक चट्टान है, उसके नीचे पूरा पानी है। इसी में सोच के देखिए एक बार, अगर आप जमीन के नीचे काम कर रहे हैं और फंस जाते हैं तो क्या हाल होगा आपका। तो इसमें 220 लोग 1989 में रात के समय काम कर रहे थे, और अचानक से पानी घुस जाता है,
पानी घुसने के बाद में कुछ लोग जो थे वो 6 लोग तो एट द मोमेंट पानी घुसने के साथ ही साथ मर गए और 64 लोग जो है इधर उधर भाग के छिटक गए। और जो लोग मतलब मुंह के सामने थे 149 लोग लगभग, उनको तो संगे संग बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो 64 लोग फंस गए उनको निकालने के लिए उस वक्त के जो माइनिंग इंजीनियर थे जिनका नाम था यशवंत सिंह गिल, उन्होंने बुद्धि दिखाया और लगभग 7 से 15 दिन लग गया उन लोगों को निकालने में, जमीन के नीचे गड्ढा कर करके उन लोगों को निकाले। यही वो जगह है, देखिए कितना वीरान और सुनसान इलाका है, देख सकते हैं पूरा का पूरा ये कोयले का चट्टान है, इसमें पानी उड़ी नहीं ना है नहीं। ये देखिए ये पूरा अभी भी मिट्टी यहाँ का गीला है जिससे मैं चल रहा हूँ, डर भी लग रहा है कहीं जमीन के नीचे ना चला जाऊं। तो हाँ अपने का फेस अच्छा बन हो गया। ये पानी है, इसके नीचे अभी भी मिट्टी बहुत गीला है, अभी खोले पूरा कोयला निकलेगा। हाँ इसमें भी कोयला है, तो ये देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी खदान आप लोग को दिखाते हैं, बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए ये भी कोयला का खदान था, देख सकते हैं दोस्तों जमीन से हम लोग कितना नीचे है, ये देखिए ये ऊपर जमीन और हम लोग कितना नीचे में आकर वीडियो बना रहे हैं, ये देख सकते हैं ये भी कोयला का खदान। अभी देखिए यहाँ जंगल झाड़ी हो गया है समय के साथ साथ, ये चारों तरफ देख सकते हैं कितना जंगल है। तो इन भाई लोग की वजह से यहाँ तक पहुंच पाए और आप लोग को दिखा पाए कि कोयला निकालने के बाद जगह कैसा वीरान हो जाता है। यहाँ का कोयला निकाल लिया गया है, जमीन के नीचे पानी ही पानी है, लोग यहाँ पर घर बना के रह नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी भूकंप आएगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, धरती डोलेगा और जमीन के नीचे बड़ा बड़ा घर समा जाएगा। और जमीन के नीचे कोई वैसा वैसा गड्ढा नहीं है, 150-200 फुट तक गहराई है और अगर कोई भी घर उसमें गिर जाता है तो उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि घर गिरेगा वो बात अलग है और साथ ही साथ नीचे पानी भी भरती है, माने घर भी गिरेगा आदमी डूब के भी मरेगा, बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये जगह बहुत वीरान है, सुनसान है। और कुछ है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, उधर उधर कहाँ देखना, चलिए और चलिए चारों तरफ से दिखाते हैं। अच्छा बाइक क्या तुम्हें भालू को लॉक करे चले, ठीक हैंडल लॉक करे चले हैंडल, अच्छा। तो ये देखिए यहाँ पर पेड़ लगा दिया गया है ताकि जमीन को बचाया जा सके, हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ लगाने से जमीन जो है बंजर होने से बच जाता है, इसलिए पेड़ लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा, इसमें अभी भी कोयला यहाँ पर है लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया है क्योंकि पानी है, जमीन के नीचे जान को खतरा है, इसलिए कोयला निकालने नहीं दिया जाता है। अच्छा इतना जंगल में तो सांप भी होता होगा, मोटा मोटा सांप है ना, इधर कुछ मरा हुआ ऐसा महकरा गाय मरा हुआ है किधर, अच्छा उधर में आगे कहीं पर गाय मरा हुआ है, किसी का मार जाता कोई बिक देता है, अच्छा अच्छा फेंक देता ना, हाँ कोई भी चीज हो सकता है। तो देख सकते हैं थोड़ा आप कैमरा कर सकते हैं इसको करिए, हम फोटो डालना चाहिए थे आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैमरा मैंने दूसरे के हाथ में दे दिया है, उठने में कष्ट जरूर हो रहा लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग आगे जा रहे हैं, पूरा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, और भी ऊपर उठना है, नहीं ठीक है देख कितना हाइट उड़ रहे दोस्तों, कष्ट हो रहा है गिर ना जाए।
को दिक्कत हो रहा है? मिडिल हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे क्या काम होता है आगे जाके भी आप लोग को दिखाते हैं आगे का इलाका। ये इधर में फाका इलाका है, कोयला का खदान इधर भी है। अभी देखा आप लोगों ने कितना गहराई से हम लोग ऊपर उठे हैं, थक जरूर गया हूँ लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है। आगे बढ़ते हैं, फाका इलाका में ईटा का भट्टा लगा दिया गया है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। रास्ता देख सकते कितना बालू वाला है, धूप बहुत कड़ी है लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखिए, एक दूसरी तरफ खदान की तरफ बढ़ रहे हैं। खदान का मतलब होता है कि एकदम गड्ढा है, उस गड्ढे में खतरा ही खतरा है। कोयला निकाल लिया गया है, जमीन बंजर है। दिखाते हैं आपको आगे चल के। ये सामने देख सकते हैं कुछ लोग जंगल से लकड़ी वगैरह लेने का काम कर रहे हैं, उधर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे देख सकते हैं बहुत दूर है। पूरा ब्लॉग लंबा होगा लेकिन जंगली ब्लॉग है, दिखाते हैं आपको। इधर में हम लोग आ चुके हैं, आगे में और भी खदान है, पानी है, गड्ढा है। ये लोग का कहना चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के पानी गड्ढा खदान जितना है सब आपको दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं। ब्लॉग लंबा होगा लेकिन बहुत ही रेस्क्यू भरा और थोड़ा साहस वाला होने वाला है क्योंकि फाका इलाका है, आईफोन है हाथ में, कोई भी छीन ना ले, ले ना ले। चलिए कोई बात नहीं है, पुलिस थाने में मैंने पहले रजिस्टर करवा के यहाँ पर निकला हूँ। फाका सुनसान इलाका है लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि शहर से ज़्यादा शांति यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। और कुछ लोग यहाँ पर गेम वगैरह भी खेल रहे हैं, वो लोग मना कर रहे वीडियो करने के लिए। फिलहाल मैंने आपको दिखाया नहीं कौन लोग हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और इस जंगल में हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे जाकर आपको दिखाते हैं क्या चीज देखने वाला है। ये मेरे गाइड मुझे लेके जा रहे हैं, वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग के लिए बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं कुछ गाछ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। खदान है, फाका इलाका है, आंधी तूफान बरसात में ये सब पेड़ यहाँ पर गिर जाते हैं। सामने एक पेड़ गिरा हुआ है, थोड़ा संभल कर निकलना पड़ेगा। ये लोग आ चुके हैं इधर में, पूरा फाका इलाका देख सकते हैं, आबादी का कोई नामो निशान नहीं है लेकिन फिर भी मेरा भी शौक था कि एक बार रानीगंज आते हैं और उस इलाके को जरूर देखते हैं। यहाँ से कोयला निकाला जाता है, कोयला निकालने के बाद जमीन का क्या अवस्था होता है ये दिखाते हैं आपको। आगे एक बहुत बड़ा खदान मुझे दिखाई दे रहा है, बैक कैमरा को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ा खाल है, बहुत खाल है। ये देखिए नीचे देखिए कितना गड्ढा है, देख सकते हैं। सामने देखिए, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ये जमीन का नीचे से जब गड्ढा करके कोयला निकाला जा रहा था उस वक्त का वो निकला हुआ पानी है। सामने में एक भगवान का मंदिर भी बनाया गया है, भोलेनाथ का मंदिर है। ये देखिए ऑन साइड पे चलो उतर ही कर रहे हैं। इधर में गड्ढा है, आगे बढ़ने की पूरा कोशिश कर रही है।
नया रास्ता कुछ पता भी नहीं चल रहा है, गिर भी जा रहे थे, लेकिन पेड़ का सपोर्ट है। भगवान ने भी देख सकते हैं जगह जगह पेड़ बना दिया है, इंसान जब नीचे उतरे तो अच्छी तरह से कर पाए। यहाँ पर यहाँ एक मंदिर है, सामने देख सकते हैं कि ये एक मंदिर जो है जब खदान था उस वक्त का बना हुआ है, माँ का मंदिर है। माँ का आशीर्वाद जब रहेगा तो सभी कुछ अच्छा ही होगा। चलिए सामने का मंदिर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पानी देख सकते हैं, इस खदान का पानी है। हम लोग बहुत गहराई में आ चुके हैं, जंगली इलाका है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरा आप लोगों को दिखाने का। इधर देखिए, इसमें जो अभी भी गड्ढा होगा पूरा, पानी पूरा गहरा है ना, गहरा है, यहाँ से इसका कोयला निकाल लिया गया, तभी इतना गड्ढा हो गया है। पहले ये कोयले का भंडार था, जितना आपको गड्ढा दिखाई दे रहा ना, सब जगह से कोयला निकाल लिया गया है, और कई साल बीत जाने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर पानी जम चुका है। और नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हम लोग पानी में आ गए हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक सूखा हुआ पेड़ भी है, वहाँ दिखाइए, थोड़ा पेड़ दिखाइए। देखिए पानी का बीच में पेड़ हो गया है, और पेड़ सूख भी गया है, क्योंकि पेड़ को मिट्टी मिलेगा नहीं तो रहेगा कैसे, इसलिए पेड़ वहाँ पर ड्राई हो चुका है। पानी है, खदान का पानी है। और इधर थोड़ा दिखाइए, ये देख सकते हैं ये कोयला है। जैसे हम लोग तालाब के या नदी के किनारे जाते हैं तो हम लोग को बालू या कीचड़ नजर आता है, लेकिन यहाँ जो हम तालाब के किनारे खड़े हैं या फिर जो भी बोलिए, देखिए यहाँ पर हमको कोयला नजर आ रहा है। ये कोयला का चाल है, आप देख सकते हैं कैमरा में, ये देखिए ये मिट्टी कोयला लगा हुआ है सभी में। तो ये होता है खदान, इसी जगह के ऊपर में फिल्म बन रही है अक्षय कुमार की। अब पानी लगभग अच्छा पानी है, ठंडा है, नॉर्मल पानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं और हमारे गाइड भाई लोग क्या दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलो और कुछ चुनते हैं, इधर बढ़ते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। दो तीन घंटे का ब्लॉग नहीं देखा, एकदम टफ हो गया। चले ब्लॉग लंबा होगा लेकिन पूरा इंफॉर्मेटिव होगा हम लोग का। हेलो गाइस, एक लड़का देख सकते हैं, नहीं नहीं ये इलाके का फायदा उठाया जा रहा है। घर में शौचालय है, घर में शौचालय के लिए दिक्कत है। हेलो गाइस, देखिए हम लोग चढ़ाई उठ रहे हैं, ये भाई स्लिप हो रहा, कैमरा में पीछे हाथ धो ना, चलो बड़ा ही मजा आ गया है दोस्तों। इस जगह में घूमकर बहुत दिन से घूमने को नहीं मिल रहा था, आज अचानक से दिमाग में आया कि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाले हैं, आज एक बड़ा ब्लॉग बना के डालेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि ब्लॉग नहीं आ रहा आपका, ये वाला खदान। अच्छा सामने में दिखाइए, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक खदान है, कोयला निकाला गया है यहाँ से, देख सकते हैं थोड़ा, ये सब कोयला का खदान है, ये सब चट्टान है, यहाँ सब कोयला निकाल लिया गया, पूरा ऊपर तक निकाल लिया गया देख सकते हैं, और ये नीचे में इस तरह से जमीन छोड़ दिया गया, मिट्टी अभी भी गीला है, अगर गड्ढा किया जाए तो नीचे और कोयला निकलेगा, पानी भी निकलेगा, जान को खतरा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं, इधर फाका जगह है ना, बहुत दूर में हम लोग निकल चुके हैं। हाय दोस्तों, ये पूरा एक लड़का धूप बहुत ज्यादा है, कड़ी है, मेरे गाइड को भी गर्मी लग रही है, हमें भी गर्मी लग रही है। महल के जैसे खदान खुलवाया था, हाँ अंदर जाने के लिए रास्ता इसमें थोड़ा देखा, ये डेंजर वाला, अच्छा एकदम डेंजर वाला रास्ता है, दिखाइए
ये रास्ता बंद कर दिया है ना। ये सामने में देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को, ये यहाँ पर एक रास्ता था, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ से अंदर जाकर कोयला निकाला जाता था, देख सकते कैसे कटा हुआ है, दोनों तरफ से कोयला है। अब फिर जमीन के नीचे जाकर लोग यहाँ से कोयला निकालते थे। अभी इसको पूरा तरह से मैंने बंद कर दिया, वीडियो बनाते हैं, मुंह को बंद कर दिया ना, उसको गड्ढा किया जाए तो फिर निकल जाए। नाम करेगा मैंने नहीं। अच्छा पहले इसको मुंह बंद कर दिया है। तो फिलहाल जो भी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, आगे आप कुछ नहीं, मंदिर एक। तो चलिए दूसरा तरफ चलते, बाइक के पास चलते हैं। हाँ चलते, उधर से रास्ता है जाने का, तो चलिए इधर से चलते हैं। ये सब अभी हाल फिलहाल कर, देखिए एक्चुअली हुआ क्या जानते हैं, कि कुछ लोग ना इलीगल तरीके से, गलत तरीके से चोरी करके कोयला निकालते हैं। तो चोरी करके कोयला कैसे निकालते, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। और उन चोरी करने वाला ही लोग जल्दी जाकर उसमें मरते हैं, क्योंकि उनका पास तो सरकार का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, घुस जाते हैं और उसमें फंस के रह जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गड्ढा करके, इस जगह में देखिए यहाँ पर गड्ढा करके कोयला निकालने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने इसको बंद करवा दिया। अगर आप भी यहाँ पर आकर गड्ढा करेंगे तो कोयला निकलेगा। इस तरह से कई जगह है, उधर भी दिखा दीजिए, कई जगह से लोग कोशिश कर रहे हैं कोयला निकालने का, लेकिन सरकार की नज़र पड़ी इस पर और सरकार ने इसको बंद करवा दिया है। यहाँ से भी देखिए रास्ता बनाया जा रहा है जमीन के अंदर घुसने का। यहाँ देखिए यहाँ भी जमीन बनाया जा रहा रास्ता, लेकिन इसको भी बंद करा दिया गया है। इस तरह से कई जगह आपको मिल जाएगा। उधर दिखाइए सामने में कितना लंबा है, हर जगह से कोयला निकालने की लोग कोशिश कर रहे थे। ये देखिए कितना क्रिटिकल रास्ता बनाया जा रहा था। देखिए हम लोग तो स्लिप कर जाएंगे, आप सोचिए जो लोग कोयला निकालते होंगे वो कैसे इसके अंदर निकल जाते होंगे। ये देखिए ये इसमें खाल है, ये गड्ढा है, इसमें लेकिन वो पत्ता वास्तव में है नहीं। अगर मैं वहाँ कूदू तो नीचे चला जाऊंगा, वो जस्ट मैंने एक धोखा हो सकता है। ये पूरा गड्ढा है और ये देख सकते किस तरह से काट काट के सीढ़ी बनाया जाता था, और इस सीढ़ी के अंदर में लोग यहाँ से घुस के कोयला निकालते थे। हालांकि कोयला निकला नहीं है, बंद कर दिया गया है, अब निकाल लेंगे कोयला। हाँ एक्चुअली यहाँ का सारा कोयला निकाल दिया गया है, इसलिए मिला नहीं तो उन लोगों ने इसको बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला निकला नहीं, बंद कर दिया। पेट के लिए कमाने के लिए पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, कुछ भी कर सकता है। देखिए यहाँ खदान है, इसमें पानी है, पानी भरा हुआ अंडरग्राउंड है, तो डूब जाएंगे, इसमें खतरा भी है। कितना गहरा है ये देखिए, ये लकड़ी है, थोड़ा संभल कर मैं डालता हूँ। ये देखिए देख सकते हैं, एक लकड़ी अंदर जा रहा है। अब सोचिए अगर आदमी
इसमें धंस जाए, देखिए ये जाए ना पूरा जाए, ये देखिए पूरा जाएगा ये पूरा, जितना मैं फेंक सकता था उतना मैंने फेंक दिया, आदमी डूब जाए, इसमें जान का खतरा है, गाय गिर जाए आदमी गिर जाए बचना बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाय के लिए, अभी देखते रहिए। तो लाइफ फोर के लिए भरो हम, तो लाइफ नहीं लाइफ तो नेट फिल से फाग देने को ना, ऑनिक नेट खाओ तो वाईफाई तो लगा है, हां वाईफाई फाग लो, वाईफाई बोलते दे देते, वाईफाई अच्छा हो जाए, हम लोग घर में अच्छा डांस कर लेंगे। इसी जगह के ऊपर दोस्तों कैप्सूल गिल फिल्म बन रही है, सोचिए जमीन के नीचे कितना गड्ढा होता है और इसी गड्ढा में आदमी फंस गए थे, उसको निकालने के लिए यशवंत सिंह गिल गए थे। एक तो चट्टान है दिखाइए, तो थोड़ा ये देखिए कितना बड़ा सा चट्टान है, नीचे वाला दिखाइए, ये देखिए ये चट्टान है, ये जमीन के नीचे का चट्टान है। आगे आइए, इधर से रास्ता है, अभी और भी आगे में बहुत सा चीज है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाम को आएगा, शाम को हम लोग तो आज है, कल चल जाएंगे दिल्ली कमाने के लिए, ठीक है पहले रोजी रोटी जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है, एक के लिए करने पड़ेगा, ऑफ कर देते हैं ना, बढ़िया। घूमते घूमते जंगल में एक ऐसी जगह पर आए हैं, कुआं की तरह दिखने में लग रहा है, इसको कुआं ही कहिए आप, इतना गहरा है अगर गिर जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, देख सकते हैं चारों तरफ फाका है, बगल और ये जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा नीचे आप लोग नजर करिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये देख सकते हैं कितना भयंकर कुआं है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए एक पत्थर फेंक के इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैंने एक पत्थर लिया है, देखा ये कुआं बना हुआ खदान में, आगे बढ़ते हैं, आगे खदान और एक है, ये खदान एक बहुत बड़ा तालाब का रूप ले लिया है, ये खदान भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से ये खदान आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने में एक खदान है, इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी खदान अब खदान नहीं रहा, तालाब बन चुका है, बढ़ रहे हैं, ये हर जगह से कोयला निकाला जा चुका है, सड़क के उस तरफ खदान है ना, उधर हैवी डेंजर है, वो बहुत खतरनाक काम के लिए देखते हैं, ऐसा डेंजर है, गंगा माता भी यहाँ पर रुकी हुई है, कभी दौड़ा ना दे, स्टैंड चाहिएगा आपको, पूरा बदबू आ रहा है यहाँ, ये इलाका एकदम फाका है, खदान है, इधर में क्या होता है कि गाय बकरी भैंस मर जाने से लोग फेंक देते हैं, बहुत बदबू आ रहा है, चाणक भी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का, देखिए चाणक भी इधर मास्टर लिखा थे यार, सब गड्ढे में क्या होता है ना, जो खदान वाला इलाका है चाणक है, इसमें बहुत गंदी बदबू है, आगे बढ़ के बताते हैं, इतना बड़ा कोयला खान था, पानी पा पा के धसक गया, देखिए कितना बड़ा खाल है,
इसमें बहुत पानी है, बहुत पानी है इसमें। जमीन को बर्बाद करके भी चला गया सब लोग, सरकार का हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को और दिखाने की कोशिश करते हैं, इधर भी है कुछ ना कुछ। चलिए आगे बढ़ते ही जाते हैं, जहाँ तहाँ माने हम लोग डाउन आते जा रहे हैं, डाउन जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोग को सौ दो सौ देखिए हम लोग जो खड़े हैं वो खगला के जगह में खड़ा, खगला में खड़े हैं। हम जहाँ पाए ये पूरा खोखला है, ठीक है आगे बढ़िए। आइए दिखा लो, दिखाए दिखाए, अंधेरा नजर आ रहा। ये पूरा खोखला इलाका है, ये जो है पूरा खोखला इलाका आपको दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इधर कोई दुकान भी नहीं है, ये आदमी थोड़ा थक जाए तो कुछ पानी पी ले, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। आगे ही बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, हर जगह गड्ढा खदान मिल रहा है। सोचिए इसी के अंदर लोग फंसे हुए थे, यहाँ यहाँ दिखाइए। देखिए ये हम लोग जो खड़े हैं ना, ये पैर मारा जाए तो धंस जाएगा, थोड़ा सा दिखाइए इधर में। ये जमीन जो है इधर खोखला, इधर भी दिखाइए, उधर से ठीक नजर आएगा, उधर चलिए। काला काला है सर, हाँ वहाँ पर पूरा तो अंदर खगली है। उस सर देखिए सर, ये देखिए पानी है, देखिए पानी इसी में पानी है, देख सकते हैं कैसे ये खोखला था, इसी के अंदर लोग घुस के कोयला काटते। सोचिए ये देखिए पूरा अंदर पानी ही पानी है। ठीक है चलिए आगे, इधर आइए, खतरनाक जगह है। चलिए चलिए आ जाइए, बहुत डेंजर जगह है साहब। आगे देखिए खाल है, अब ये वो खाल था आपको छोड़िए दिया, ये वाला खाल ये डेंजर देखिए, ऐसे बीच में हम लोग चल रहे हैं, ये खोखला दोनों मिल जाएगा सट के। अंदर ढुके एक बार, नहीं नहीं मोबाइल से दिखाते हैं एक बार, देखिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खुद है अंदर से, अंदर जाना चल जाएंगे। ये हम लोग खदान के अंदर में घुसने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा जंगली इलाका है, डर लगता है, लेकिन अपना खेल के अब तेरा को कोई पकड़ के टानेगा नहीं, तो गिर सकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर का सीन आपको दिखाने के, कैमरामैन भी जी वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे कोयला काटा जाता है, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, ये सामने में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नीचे ज्यादा खतरा है, दलदल और ये दलदल इलाका है, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो पैर फंस जाएगा, फिर निकलने में दिक्कत होगा, कहीं गलती से गिर जाए तो फिर यही पर का अंतिम संस्कार हो जाएगा, निकलने वाला रास्ता नहीं है, चाल में दबा जाएगा, मतलब चाल का बीच बीच में है। देख सकते हैं इसको अंदर अंदर लेके आइए, थोड़ा अंदर में ये चीज तो दिखाइए, कैमरा ये दिखाइए कैसे, मैंने जमीन को काट काट के देखिए, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। और एक बात बताना चाहेंगे, थोड़ा दिखाइएगा, इसमें ना क्या होता है कि जो बड़ा खतरनाक सांप वगैरह होता है, जैसे अजगर सांप हुआ मोटा मोटा, वो इसी सब में घुस घुस के छिप जाता है, क्योंकि वहां पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और रात के वक्त बाहर निकलता है। और इधर में है उसी का इलाके में भी बने सब में, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़िया निकलते हैं हम लोग, ढूक गए इतना खतरनाक इलाका था, देखा आप लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने जाके दिखाया, सोचिए इसी के अंदर लोग घुस के कोयला काटते थे, अभी ये इलाका एकदम सुनसान है, वीरान पड़ा हुआ है।
वीडियो बनाने के लिए। देखिए तो ब्लॉग लंबा होने वाला है, लेकिन रियल लाइफ का ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शरीर में खुजली होने लगा है, लेकिन फिर भी खुजलाने से और शरीर खुजलाएगा। पेड़ का कोई आगे बढ़ते हैं। एकदम थका इलाका, रास्ता बना हुआ लेकिन चारों तरफ से कोयला निकाला जा चुका है। अच्छा, इधर में ईसीएल का क्वार्टर, जो लोग खदान में काम करते हैं उनको यहाँ घर मिला, वो घर के दिखा दीजिए। वो लोग इस क्वार्टर में रहते हैं। इधर आइए, ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर कोयला का खदान था जिसको बराबर करके ग्राउंड बना दिया गया है। यहाँ पर जो लोग ईसीएल के क्वार्टर में रहते हैं वो लोग इसी ग्राउंड में खेलने कूदने के लिए उनके बच्चे चले आते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के और भी आप लोग को दिखाते हैं। तरह तरह का गड्ढा गुड्ढी, कोयला का खदान, हर चीज़ देखने को मिल रहा है। खतरा भी बहुत है, लेकिन हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जंगलों में आग लगा दिया गया है, क्योंकि जंगल से लोग परेशान हो गए हैं। सांप बिच्छू खतरा जंगली जानवरों का बना रहता है, तो लोगों ने जंगल में आग लगा दिया। उधर भी उधर आग लगा हुआ है जंगल में, उधर तो कोशिश करते हैं जाके दिखाने का। इधर ईटा का भट्टा है, रोक दे रहे तब। देखिए यहाँ पर आग लगा दिया गया है, यहाँ आगे नहीं लगना चाहिए। बोलिए, जंगल जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन जंगल में कुछ लोग आग लगा दिए। दिखाइए आग, दिखाइए कितना भयंकर आग लगा हुआ है। ये दिखाइए पूरा, ये पूरे खदान के नीचे आग लगा दिया है। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि खदान के नीचे आग लगाने से कोयला में आग पकड़ लेता है। कोयला में जब आग पकड़ लेगा तो जमीन के नीचे नीचे जलते हुए चला जाता है। कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ कोई नहीं जानता है। इसलिए ये जंगलों में आग नहीं लगाना चाहिए इस इलाका में, लेकिन कुछ लोग क्यों लगा दिए मुझे भी पता नहीं है। पूरा इलाका जल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का किए घेरा दे के, बांस को देके घेरा दे के बांध दिए कि आदमी जाने अपन खाल जान। दोस्तों देख सकते हैं कि ये यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन कोयला अंचल में इस सड़क में भी कितना खतरा रहता है। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ लेके आइए कैमरा, यहाँ लेके आइए। यहाँ देखिए गाछ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, पत्थर रख दिया गया है। नीचे अगर आप देख सकते हैं, देखिए पूरा काला नजर आ रहा है, पूरा गड्ढा है। अगर कोई गलती से गिर जाए सड़क में तो पता ही नहीं चलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत होता है, हम लोग बांधे हैं। नहीं ठीक किए हैं, बहुत बढ़िया काम इन लोग किए हैं कि साइड साइड में इस तरह से देखिए बांध दिए हैं और साफ ढंग का ये लगा भी दिए कपड़ा की खतरा है, इधर जाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद कर दो, थोड़ा सा स्टेप लेकर उसको स्टॉप कर दिया, कर दिया, रोक दिया। तो स्टार्ट किए बाइक दोस्तों, सड़क पे खड़ा था तो बाइक को लाकर मेरे जो कैमरामैन है उनका ये घर है सामने, दिखा दीजिए। ये कैमरामैन के घर के पास में मैंने बाइक को लगा दिया है और आगे की सफर जारी रखते हैं। आगे भी आपको ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से रानीगंज का ये एरिया जहां पर कैप्सूल गिल फिल्म बनाया जा रहा है किस तरह से पूरा वीरान हो चुका है, खंडहर हो चुका है, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काट दो, इतना घूम घूम के पानी पी, बहुत थक गए हैं, प्यास लगा है, घर मिला है, इस घर के पास आए हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे, बहुत जोर से प्यास लगी है। अच्छा खावे, पानी पी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। धूप बहुत कड़ी है फिर भी कोशिश हमारा बरकरार है कि पूरा आपको दिखाएंगे। इस बार हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता था, अभी वहाँ पर चाणक जिसको बोलते हैं यानी कि कोयले का रिंग है जिसको घुरा के इंसान को अंदर डाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, उधर लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामने में एक गड्ढा है, ये गड्ढा एक्चुअली पहले ऐसा था नहीं, यहाँ पर ईटा भट्ठा बनाया गया है, पर नीचे जाके आपको हम यहाँ बैठे लगा, यहाँ से मिट्टी काट काट कर एक्चुअली एक खदानी है, यहाँ से मिट्टी काट काट कर रोजी रोटी के लिए लोग जो मिट्टी काट के ले जाते हैं और मिट्टी काट के ले जाते हैं और अपना पेट भरने के लिए ईटा भट्ठा जो है वहाँ पर मिट्टी पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये खदानी इलाका है, जितना लोगों को मिट्टी मिल रहा है यहाँ से मिट्टी काट काट के लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा गाइड हमको किधर लेके चलते हैं उधर ले जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे इधर से इधर चलते हैं, इधर भी तो है। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ कर दे दोस्तों, एकदम बड़ा खदान है, आश्चर्यचकित रह गए देखकर। ये खदान है, इसमें पानी भी है और इसके आगे भी एक बड़ा खदान है सुनने को मिला है, लेकर चलेंगे आपको उसके पास में। अब गूगल मैप में भी ये खदान आपको दिखाई देगा अगर आप रानीगंज का OCP इलाका सर्च करते हैं तो, इतना बड़ा ये खदान है। आगे बढ़ के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये खदान के पास हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाके आपको दिखाते हैं खदान में। हाँ थोड़ा उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। इधर से उतरते, हाँ ये खदान में पानी जमीन के नीचे से आया ना, अभी खदान में नहाने आता है गरीब लोग का, ये अंडरग्राउंड खदान है दोस्तों। ये जो खदान है ये अंडरग्राउंड खदान है, दो तीन खदान एक साथ जुड़ा हुआ है खदान। ये पानी एक्चुअली जमीन के नीचे से भूमिगत पानी है, अपने आप आया हुआ है, जैसे कुआं खोद के हम लोग पानी निकालते हैं ठीक उसी तरह से जमीन के नीचे से अपने आप पानी आया है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये खदान जो देख रहे दोस्तों, इतनी बड़ा खदान है जो जो पार करते करते पार खत्म ही नहीं हो रहा अभी। इंसानों की सुविधा तो सही है, मोटा मोटी 2 महीने का 2-3 महीने का बाद
कहते हैं कि ये जो इलाका है इस इलाके में एक्चुअली आगे में कोयला रखा जाता है। जब धरती के नीचे लोग फंस गए थे, जब धरती के नीचे पानी घुसा था जिसके ऊपर अक्षय कुमार फिल्म बना रहे हैं, तो लोगों को निकालने के लिए जो 64 लोग धरती के नीचे फंसे थे जगह जगह हॉल किया गया था। तो इसी तरह से फाका इलाका में जमीन के नीचे से बोर करके जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल की तरह स्टील का एक बॉडी डाला गया था, उसको डालकर लोगों को जैसे कुआं से पानी निकालते हैं ना, उस तरह से लोगों को जमीन के नीचे से निकाला गया था। तो उसका एक नज़ारा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए, इसी तरह से गड्ढा किया गया था। अभी यहाँ पर दलदल नहीं है, गड्ढे को भर दिया गया है, यहाँ से भी गड्ढा करके लोगों को निकाला गया था। आगे ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, मेरे जो सहयोगी है वो मुझे कुछ दिखा रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं, क्या दिखाते हैं वहाँ पर ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ आवाज़ भी आ रहा है, ट्रेन जा रहा है, रेल लाइन में आ चुके हैं। इधर में सामने की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि पीछे जाते हैं। और ये कोयला रखने का जगह है, जमीन देख सकते हैं पूरा काला काला, थोड़ा जमीन दिखाइए, कोयला रखते रखते देखिए क्या हाल हुआ है जमीन का, पूरे जमीन में कोयला ही कोयला है, तो काला तो होगा ही। टीपू इलाका, धूप बहुत कड़ी है लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाने का एक नशा इंसान को कहां तक लेके चला आता है। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे में एक खदान है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग रेल लाइन में आ चुके हैं, सामने आपको एक ट्रेन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं वो ट्रेन जा रही है वो सामने, ये रेल लाइन है लेकिन जमीन खोखला है, अगर कभी जमीन धंसेगा तो पूरा का पूरा रेल जो है जमीन के नीचे ही चला जाएगा। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होगी कि पूरा रेल जो है जमीन के नीचे समा गया। आगे लेके चलते हैं, सहयोगी हमारे आगे जा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेके चलते हैं आपको दिखाते हो क्या। बिछड़े दिल खिल जाए, होनी को अनहोनी करते दीवानों को, मेरे साथी सुन तेरी दिल गाते, क्या बात है ऊपर वाला अपने साथ, ऊपर वाला अपने साथ, प्यार भी मिलेगा दिल का। ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा है, इससे कोयला निकाला जाता गड्ढा करके, देखिए ये कितना बड़ा इसका हाइट है, सोचिए इसको उठाने के लिए कितना बड़ा सा मशीन लगता था। आइए इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं, ये आप लेके आइए, इधर लेके आइए, देखिए ये लोहा का है और ये लोहा में भी देख सकते हैं घास हो गया है यहाँ पर, मतलब कितने सालों से ये पड़ा हुआ है। और उधर में देखिए वहाँ पर मेरे सहयोगी को दिखाइए, देखिए कितना बड़ा सा डंपर है, इस डंपर से कोयला निकाला जाता है, सोच के देखिए इसको ऐसे करके, आप देखे होंगे बुलडोजर गाड़ी देखे होंगे उसका मुंह तो इतना छोटा छोटा रहता है लेकिन ये कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। वहाँ पर मेरे सहयोगी को दिखाइए, ये देखिए लेकिन जब से वो घटना घटी है लगभग 1989, आज इस घटना का लगभग आपका 23 साल हो गया है, 30 साल लगभग हो रहा है, 30 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, सब लोग उधर से इधर से जिसको जो समझ में आया पेट के लिए लोग जो है उठा उठा के लेके चले गए, बिक्री कर दिए हैं, और ये सब तो बड़ा सामान है कोई उठा ही नहीं सकता है, अब ये हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा। इधर लेके आइए, ये सब देखिए, ये सब कुछ लोग यहाँ से चोरी करके गैस कटर से काट काट के ले जाके इसको बिक्री कर दिए हैं, इसका और पार्ट्स वगैरह जो है खोल लिया गया है,
लोग चोरी कर लिए हैं, क्योंकि ये बिरान इलाके में कौन आएगा। चोर उचक्कों के लिए एक अच्छा मौका मिल गया, वो गैस कटर से काट काट के ले जाकर सबको बिक्री कर दूंगी। कितना देखिए ऐतिहासिक चीज है, लेकिन जंगलों के बीच में इसका कोई माए बाप नहीं है। क्या होगा इसका भविष्य कोई नहीं जानता। ये लगभग 30 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब से कैप्सूल गिल वाली घटना घटी है तब से। आगे बढ़ते हैं, आगे का भी नजारा दिखाते हैं। ये वाला दिखाइए, ये यहाँ देखिए, इस पर लोग लैटरिन फैटरिन कर देते हैं, बच्चे जो है स्लिप करके खेल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चढ़ने लायक जगह नहीं थी इसलिए मैं चढ़ा नहीं। इधर दिखाइए इसका मोटर, अच्छा देखते हैं उसको भी। ये देखिए मोटर, इसका पीछे का पार्ट, लोग इसको भी चोरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इतना मोटा है कि कटेगा ही नहीं गैस कटर से, फिर भी कोशिश जारी है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला दिखाई दे रहा, देखिए क्या देखिए, ये शौचालय अभी आपको खुला में शौचालय नजर आ रही है, ऐसा नहीं था। पंखा खिड़की सब कुछ इसका खोल के ले जाके चला गया है। यहाँ से ये इसका खिड़की सब खोल के लेके चले गए हैं, क्योंकि जंगल में आएगा कौन। चोर उचक्कों को एक अच्छा मौका मिल गया, बढ़िया बढ़िया खिड़की लगा हुआ था, सभी लेके चले गए, ले जाकर बिक्री कर दिया जगह का। अच्छा वो वाला क्या है, आइए देखिए, लिखा हुआ है यूरिनल लोगों का टॉयलेट खाना है। अच्छा वो वाला दिखाइए तो, वो क्या है बताइए तो। टंकी, ये टंकी है, पीने वाला पानी का टंकी। अच्छा टंकी तो ऊपर आता है, नीचे रहता था क्या? इसे भी खा गया। ये वाटर टैंक है लोहे का, अभी आप लोगों को प्लास्टिक का टैंक देखने को मिलता है, बल्कि ये देखिए लोहे का वाटर टैंक। इसका वजन इतना है कि अगर एक 3 तल्ला मकान पर गिरा दिया जाए तो मकान धस के टूट जाएगा, एक बम की तरह ये काम करेगा। 3 तल्ला फ्लैट में देगा तो गिर जाए। साड़ी गिरा हुआ है, और ये देखिए मैनेजर का ये ऑफिस हुआ करता था, लेकिन आज ये ऑफिस का हाल थोड़ा दिखाइए भाई, इधर लेकर आइए कैमरा, इधर इधर ये ऑफिस का नजारा देखिए, ये ऑफिस क्या हो चुका है। अच्छा मैं बस जो लोग हैं उनके लिए एक आश्रय हो गया है, छिप छिप कर लोग इधर में पैखाना खाना करके चले जाते हैं दोस्तों, और क्या बोला जाए, बस यही सब है। ये सब टूटा वीरान जगह है, वीरान जगहों में ये सब ही होता है अधिक। और यहाँ सामने में नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड, एशियन का कोई नोटिस होता था तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता था हाजरी। और ये अटेंडेंस बनता, यहाँ पर अटेंडेंस हुआ करता था। और इधर अभी देखिए, इधर इधर लिखा, इधर में टूर में खड़ा, ये प्रोडक्शन लिखा हुआ मिल रहा है। इधर थोड़ा दिखाइए तो, शिफ्ट इंचार्ज कौन कौन है, कौन क्या काम कर रहा है, इस पर लिखा हुआ रहता था। अभी सब वीरान, अभी पूरा वीरान हो चुका है ये जगह। इधर में भी जस्ट कुछ भी नहीं है, शराब खाने की तरह लोगों ने चोर तोड़ने के लिए पूरा कितना जान जी जान लगा दिया था, नहीं सका तोड़ने के लिए, ऊपर जी जान लगा दिया तोड़ने के लिए। अच्छा इसको तोड़ने के लिए नहीं सका इसको तोड़ने, रॉड उड देख रहे हैं बस, छोटे छोटे चोरों का काम है सब, रॉड निकालना ये निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप कहाँ चलना चाहिए, कैमरा ऑन है। ये देखिए सामने देखिए, वहाँ पर एक बिजली घर है, और यहाँ पर भी कुछ है, इसको भी लीजिए, ये क्या चीज है दिखाइए तो। ये भी टंकी है, ये भी वाटर टंकी है दोस्तों, देखिए कितना भयंकर विशाल टंकी है ये। इसमें था आदमी बैठने के लिए, जब काम में आता था, खाना खाना खा रहा था, टिफिन करता था, अच्छा इधर में ये पानी टंकी है, इसमें पानी हुआ करता था पीने का पानी। और ये जब कोयला
कि खदान में लोग काम करते करते थक जाते थे, तो उनके लिए देखिए ये बना हुआ रेस्ट रूम, इसमें लोग आराम किया करते थे, लेकिन अभी आराम दूसरे ढंग का कर रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग फाका जगह देख कर पढ़ा नहीं है, हम लोग इतना मालूम है, इतना बोल दिया बोल ऊंचाई था, मछली खोल खोल के खोल खोल के काला मछली लेके भराटे कर दिया, सुबह पर मछली दीजिए होता ना घर, इसलिए जगह घर खिसक गया, जगह ये हो गया घर हो गया, रोड किनारे फट गया, बंद कर देना। ये सामने में ये बिजली ऑफिस है, यहाँ से बिजली सप्लाई किया जाता था, बिजली यहाँ पर बिजली कंप्यूटर। अच्छा यहाँ पर ये आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सिक्योरिटी सेंटर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये भी एक बिल्डिंग है, अभी देख सकते हैं कि इस पर लोग गोईठा वगैरह ठोक देते हैं। यहाँ पर वजन किया जाता था कोयले का, कि कोयला कितना निकाला गया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मेरे सभी मुझे बता रहे, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर में वेज ब्रिज महावीर ओसीपी, ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ। यहाँ पर कोयले का वजन करके जो है कोयला यहाँ से बाहर भेज दिया जाता था, और ये वजन वगैरह यहाँ होता था, ये तो ऑफिस है, यहाँ पर कोयला का वजन करके पूरा ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ से आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला अंचल जो रानीगंज में है, पूरे भारत में यहाँ से कोयला सप्लाई किया जाता था, लेकिन आज उसी जगह का अवस्था देख लीजिए, कोयला निकाल लिया गया है, जमीन बंजर पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, बंद कर दीजिए कैमरा। आगे दोस्तों देख सकते हैं सामने में कोयला निकालने के लिए एक चाणक्य दिखाई दे रहा है, वह दिखाइए चाणक्य जो सामने में है, वहां हम लोग जा रहे हैं और वहां का पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां है क्या। जंगली इलाका है, नीचे में पूरा गड्ढा गुड्ढी है, संभल के चलते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा कैमरा ऑफ करके आराम से आइए, आराम से आइए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, हम लोग देख के रहने भाग गए। ठीक है सामने, हाँ देखिए सामने देख सकते हैं कि ये एक चाणक्य है, इसको चाणक्य बोला जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये जो ऊपर में आपको गोल दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला दिखाइए, ये जो है इससे आदमी को जमीन के नीचे भेजा जाता था, सामने लेके जाते हैं और देखते हैं कि जमीन के नीचे भेजने का सिस्टम अभी है कि नहीं। आगे लेके आइए कैमरा को और उसको देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से कोयला निकालने के लिए जमीन के नीचे आदमी को भेजा जाता था। चलिए लेके चलते हैं आपको वहाँ पर और दिखाते हैं। बता दे ये बहुत थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। इधर में नाग नागिन जिसको हम लोग कोबरा बोलते हैं, इधर हमेशा देखने को मिलता है, बोला जाता है कि कोबरा का जोड़ा भी है, लेकिन हम लोग वहां लेके जाते हैं आपको और जाकर पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन आइए आस्ते आस्ते आइए, इधर से घुसा जाए, ये इधर से पीछे पीछे लेके आइए। बहुत ही चाणक बनाया है, रखनी देखे कितना साल का पुराना है। हाँ ये मेरा जमीन में हुआ था, कुछ वक्त का है, ये कुछ वक्त का ना, कितने ना कोई कोई नहीं। बहुत ही जंगली इलाका है, क्या अगर आपको भूत निकलता है, भूत हाँ सर मजाक नहीं, सही है सही है सर। देखिए आज भूत नहीं पड़ा, तुमने दमकल कुछ सामान डम्फर हुआ गाड़ी हुआ सब इसमें ढूक गया, निकलने नहीं सका। अच्छा यहाँ यहाँ लिखाइए थोड़ा सा, लोग पीछे पीछे डिस्टेंस रखोगे, बहुत खतरा है यहाँ पर, दो एक बार ढूक जाइएगा। तीन तो आप वहाँ पर दिखाए का पास, तीन तो इस जगह में है,
दोस्तों बहुत गहरा एक, ये थोड़ा ऊपर दिखाइए आप, ये जो है ना ये ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत गहरा था, उसको पीछे से देखिएगा सब, ये कितना पम लगा अभी पीछे से, बहुत खतरा है। और ये यहाँ पर बहुत गड्ढा है, और मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ गूंज रही है नीचे में, यहाँ पर बहुत से लोग क्या हो गया पता नहीं है, बहुत ही गड्ढा, बहुत ही गहरा इलाका है ये दिखाने की कोशिश करिए इसको, अभी सब टूट फूट गया है। सोचिए इसी के अंदर से लोग घुसते थे, जो कैप्सूल गिल, कैमरा दिखाइए इधर, जो कैप्सूल गिल फिल्म बन रहा है वो इसी के ऊपर में बन रहा है, इसी के अंदर लोग घुसते थे। 100 फुट का नीचे है, 100 से ज्यादा, 150-200 फुट में गया है। देखिए कितना पाइप लगा, मोटर लगा, इधर देखिए गाइस लोग। तो गाइस ये पूरा गहरा इलाका है, यहीं से लोगों को जमीन के अंदर घुसा दिया जाता था, और जमीन के अंदर लोग घुसकर जो है कोयला काटा करते थे। आज ये इलाका पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है, देख सकते कितना जंगल झाड़ी हो गया। उधर मत जाइए, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा पीछे आने के लिए, क्योंकि पीछे भी गड्ढा है। चलिए ये जगह तुम लोगों ने देखा, बहुत खतरनाक था, और पीछे भी खाए हैं। मोबाइल से दिखा दीजिए, पाइप है थोड़ा नीचे से दिखाइए, जो हम जॉइन करके हड्डी सर, बॉल पकड़िए सर, दिखा दीजिए सर। जैसे कैमरामैन को बोलेंगे सावधानी से दिखाइए, अच्छा से देखा, बस ऊपर से दिखाइए, देखिए कितना गाइस गड्ढा, अच्छा से जूम जूम करके ले, देखिए पाइप है, मोटर है, देख सकते हैं कितना गड्ढा, कितना गहरा, अंदर पाइप वगैरह सब लगा हुआ, खतरा बहुत है। चलिए पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, चलिए पीछे, मोबाइल घुरा के वीडियो तो पीछे, ठीक है ठीक है, हो गया, चलिए आ जाइए बाहर, बाहर अंदर इधर आइए, चलिए हम लोग इधर से उतरते हैं, इधर रास्ता है तो आज देखे हमने छाना ढका, इसमें जानते हैं डंपर हुआ कुछ सामान, और कितना आदमी दबा के मर गया है, बहुत आदमी मर गया, बहुत आदमी मर गया, बहुत साल पुराना जनवरी था, मेरा दादाजी जन्म हुआ था, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे एक चीज, यहाँ पर दिखाइए तो, रानीगंज भारत का सबसे पहला कोयला अंचल है, अंग्रेजों ने 1774 ईस्वी में इसी जगह से कोयला निकाला था रानीगंज से, और ये अंग्रेजों के जमाने का ही लगभग चीज है जो मैंने अभी आपको दिखाया, कितना गहरा था। देखिए यहाँ पर बहुत तरह की अप्रिय घटना भी घटती रहती है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए कितना मोटर, कितना पाइप, अभी सब जगह में चोरी होने का नहीं सके, गिर जाएगा तो बचाने वाला नहीं है, बहुत खतरनाक लगता है, मोटा मोटे आपको 200 फुट से लगा किलो लगेगा, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों इधर से, आगे में और भी कुछ है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, गाइड को रास्ता मालूम है, ये लोग मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, देखिए इनको मालूम है, गाइड है, दिखा रहे हैं इधर से जाना है जंगलों में। दोस्तों यही समस्या होता है कि घुस तो जाते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं रहता है, अगर गाइड नहीं होते तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से भी रानीगंज का इलाका है। सोचिए जब लोग धरती के नीचे फंसे होंगे तो क्या अवस्था रहा होगा उनका। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए ऑफ कर दीजिए। दोस्तों बहुत खतरनाक इलाका है ये, अभी जैसे कि मेरे गाइड मुझे बता रहे हैं, तो दोस्तों बहुत खतरनाक इलाका है ये, अभी मेरे गाइड हमको बता रहे हैं ये लोग कि ये सब इलाके में सियाल भेड़िया भी रात को चले आते हैं, और अभी हम लोग फाका में हैं, हम लोग 4-5 जन साथ में हैं तो उतना खतरा नहीं है, नहीं तो अकेला इंसान रहने से जंगली जानवर जो है उस पर हमला कर देते हैं, हमला करके उनको टांट टून के ले जाते हैं, खा जाते हैं, खा खू के जो गड्ढा मैंने आपको दिखाया उस गड्ढा में कहाँ दफना देंगे पता भी नहीं चलता है। तो पूरी तरह से ये जंगली इलाका भी है, जंगली जानवरों को यहाँ डर भी है। आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं कि हमारे गाइड हमको और क्या दिखा रहे हैं, आइए आगे देखिए।
तो देख सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हम लोग, सभी गाइड लोग हैं, आगे ले जाके आप लोग को दिखाएंगे कि आगे और क्या हो रहा है। ठीक, ऑफ करिए, आगे पढ़ते हैं। ठीक हो, दोस्तों ये बिरान इलाके में मुझे फिलहाल कोई नहीं मिला है। यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं, आइए इस अंकल से पूछते हैं कि ये बिरान इलाके में कर क्या रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बिरान इलाके में ये बकरी चरा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ठंडा भी है, ठंड में बैठे हुए है ना। किधर है आपको बकरी सब? बकरी बगल में। अच्छा, उधर में बकरी चरा रहे हैं। ये पूरा सुनसान इलाके में पहला इंसान जिनको हम लोग मिल रहे हैं, ये बकरी चराने के लिए आए हुए हैं। आपको डर नहीं लगता है? अपना जन्म भूमि है। अच्छा, इनका जन्म ही यहाँ पर हुआ है। तो कुछ हम लोग को बताइए ना, इधर में कोई घटना उठना है, क्या क्या हुआ था? एक बार महावीर में सुने थे कि पूरा आदमी लोग फंस गया था, फंस गया था। आप लोग जानते हैं क्या हुआ था, ये बढ़िया बता पाएंगे? उस समय आप छोटे रहे होंगे, जैसे उम्र जवान रहे होंगे। जवान थे। क्या हुआ था बताइए तो एक बार लोगों को। देखिए, कुलवारी चल रहा था ना, उस टाइम ऊपर में पानी था। कैसे बोरिंग किया तो लोग को पता नहीं था, बस खड़ा रहा था, पानी भर गया। उसका कितना आदमी मर गया था? 20 से ज्यादा आदमी। अच्छा, माने इंटरनेट में हम लोग तो इंटरनेट से जानकारी लिए हैं, 20 से 22 से ऐसे मरा है। तो इंटरनेट में दोस्तों 6 दिया हुआ, लेकिन मरे लोग 20 22 मरे हैं। ये उस समय जवान रहे थे हम लोग। अच्छा, उस इसके बाद बोरिंग हुआ, कुछ आदमी जिंदा था। कितना आदमी को खींच के निकाला? बोरिंग करके वहाँ से एक पंजाबी था, पंजाबी, वही पंजाबी का नाम था आपका जसवंत सिंह गिल। तो जसवंत सिंह गिल के बारे में, वही पंजाबी निकाले थे। जमीन के नीचे कौन गया था? वो ही गया था, वो पंजाबी गया था। गया था तो पंजाबी मतलब जसवंत सिंह गिल सर को ये बोल रहे हैं, वही जमीन के नीचे गए थे और जमीन के नीचे जाकर लोगों को निकाले थे। वो एक कैप्सूल टाइप का था, डब्बा टाइप का, उसके अंदर में घुस के गए थे ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कैप्सूल गिल फिल्म बन रहा है, इसी इलाके के ऊपर बन रहा है। तो पूरा मैंने इलाके का आपको दर्शन कराया है, अभी और भी आगे में खदान है, वो भी दिखाते हैं कि कैसे जमीन के नीचे जो है लोग जाके कोयला निकालते थे, गड्ढा हो गया है, अभी पूरा इलाका बंद है। बिरान इलाके में हमें एक इंसान बने, सर अपना नाम बताइए। लुबाई टुडू। अच्छा, लुबाई टुडू इनका नाम है। इनसे हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि किस तरह से एक पंजाबी बता रहे हैं, इनको नाम याद नहीं था, मैंने नाम बताया यशवंत सिंह गिल। तो वो पंजाबी जो है जमीन के नीचे जाकर कोयला जहाँ से लोग निकालते थे वहाँ घुसकर उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला था, यशवंत सिंह गिल सर। और उसी के ऊपर में अक्षय कुमार फिल्म भी बना रहे हैं, बहुत जल्दी वो फिल्म भी आएगी, आप लोग फिल्म देखिएगा। लेकिन फिल्म का जो ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, ये है ग्राउंड जीरो जहाँ के ऊपर में फिल्म बन रही है। हालांकि फिल्म की शूटिंग कहीं और भी हो रही है, लेकिन मेन जगह आपको यही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ले जाके आपको दिखाते हैं। चलिए, बंद कर दे। ये बहुत बड़ा खदान है, ये इस इलाके का सबसे बड़ा खदान। इस खदान को आपको दिखाते हैं, कितना बड़ा खदान है। ये जमीन के अंदर से निकला हुआ ऑटोमेटिक पानी है, ये कोई बरसात का पानी नहीं, बरसात का पानी तो आता ही है, साथ ही साथ जमीन के नीचे से निकला हुआ पानी है। जब गड्ढा लोग कर रहे थे, जब लोग धरती में फंस गए थे, धरती के नीचे जो पानी आया था वही पानी का ये कुछ अंश है। और ये इस इलाके का सबसे बड़ा खदान है, देखने से कोई नदी की तरह लगेगा लेकिन ये नदी नहीं है, खदान है। आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे कि थोड़ा मेरे पीछे पीछे आए। और ये कितना बड़ा खदान है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, इधर दिखाइए, वो देखिए उधर से शुरू हुआ है, और पूरा दिखाइए किस तरह से, ये लग रहा है कि नदी है लेकिन नदी नहीं, इसकी स्टार्टिंग देखिए यहाँ से है, बहुत पानी है। और ये हमारे साथी थक गए हैं, वो लोग नहाने के लिए आ चुके हैं पानी में, ये लोग थोड़ा स्नान करेंगे। और पानी को दिखाइए, पानी के पास में जाइए, कितना साफ पानी है, दिखाते हैं और साफ इधर है, इधर मैं कुछ लोग बोल रहे गड्ढा है, तो मैं सुरक्षित जगह में जाकर दिखाता हूँ। इधर ठीक है,
तो कुछ लोगों ने बोला कि उधर में गड्ढा है, मत जाइए, तो मैं दूसरी तरफ से आ गया हूँ सुरक्षित इलाके में। तो रास्ता बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे कि इधर से चलने को, तो इधर से चल कर दिखाते हैं आपको। गड्ढा है ना, पानी दिखाते हैं आप लोगों को, ये खदान का पानी है, पूरा प्योर पानी है, एकदम साफ। और मजे की बात है कि लोग इस पानी को पी भी लेते हैं। आइए दिखाते हैं, ये गड्ढा दिखाने बोले, बहुत गड्ढा ऐसा बोला सर जी। हाँ, समय खदान था इस समय, इस हमारे सारे सारे गाज गाज में हम लोग गड्ढा रखा रहे, गाज नाम रहे। ये देखिए हमारे सहयोगी तैरना आता है तो देखिए इसमें कितना गड्ढा है, ये देखिए इतना छोटा में कितना गड्ढा है। थोड़ा सा पानी में जाने के बाद ही देखिए कितना गहरा तालाब है, इंसान देखिए इसमें डूब सकता है, इतना कम में डूब जाएगा। ठीक है, इतना भी तैरना आता है। अब पानी देखिए एकदम साफ, लोग इस पानी को पी भी लेते हैं, कितना साफ पानी है, झूम कर दे रहे हैं लोग यहाँ पर स्नान करने को आते हैं। ये खदान है, ये नदी नहीं है, बहुत ही खतरनाक इलाका है। देखिए उसको तैरने भी आता है, देखिए उस लोग यहाँ खदान में आते हैं, नहाते हैं, उधर भी कुछ लोग देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं खदान में। कोयला निकाला गया था एक वक्त, यहाँ से कोयला निकालने के बाद अचानक से पानी आया है, अब पानी इसमें भर गया है, जिस वजह से आज ये खदान का रूप ले लिया है। उसका देखिए हमारे सहयोगी नहा रहे हैं, ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है। दोस्तों अभी नहा लीजिए, मैं कपड़ा लेकर नहीं आया हूँ, नहीं तो दिल तो मेरा भी कर रहा था नहाने का या स्नान करने का, लेकिन फिलहाल मैं कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, फिर अगर मैं नहा लेता हूँ तो चड्डी पहन के मुझे बाइक चला के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। फिलहाल मेरे सहयोगी यहीं के लोकल है, वो नहा भी लिए हैं, उनको नहाना भी था, चलिए अच्छा हुआ। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए, कैमरा ऑन देखिए। ये दोस्तों देख सकते हैं कितना जंगली इलाका है, और इधर के बीच बीच में पानी है, कितना साफ और गहरा पानी है, आपको तो दिखाएंगे। पानी साफ होने का वजह है कि पानी बहुत गहरा है, और ये देखिए पानी में जा रहे हैं, ये 150-200 फुट गहरा है, इनको तैरना आता है, पानी में वहाँ पत्थर जमा हुआ है, वो पत्थर से थोड़ा सुरक्षित भी रहते हैं। साफ पानी से कितना, ये पूरा गहरा है, दिखा जाए बस इधर से दिखाइए, ज़ूम करके दिखाइए, तो उधर इधर देखा भाई। वो जहाँ पर खड़े हैं उसके पीछे जो है आपको लग रहा हो कम पानी है, वो एक चट्टान पर खड़े हैं, थोड़ा जूम करके उनका पैर दिखाइए, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चट्टान पर खड़े हैं, नीचे उसके पीछे 150 फुट लगभग गहरा है, जो जान के लिए भी खतरा हो सकता है, लेकिन जिनको तैरना आता है वो लोग रेगुलर यहाँ पर आकर नहाते हैं, स्नान करते हैं। देखिए बहुत गड्ढा है उधर में, बहुत बहुत गड्ढा है, नहाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, बाहर निकलने के लिए बोलेंगे अपने सहयोगी को, वो लोकल है यहाँ डेली नहाने आते हैं, वो बाहर आ जाइए। पूछिए, मछली बहुत है, इधर इधर बनाइए। तो ये खदान है, और इसमें मछलियां जो है आपको 20 किलो 25 किलो कभी कदाल 50 किलो का भी बड़ा बड़ा मछली यहां पर पकड़ा जाता है, क्योंकि खदान है, जमीन के नीचे 150 फुट की गहराई तक ये गया हुआ है। कितना गहरा 150 फुट में अंदाज से बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अंडरग्राउंड पानी है, यानी कि जमीन, मैंने आपको खोखला दिखाया उधर, ये जमीन के नीचे धसा धसा हुआ है, घुसा हुआ है, और कहाँ कहाँ पानी है दोस्तों पता भी नहीं है, और इसमें लगभग हाँ भीतर में सुरंग है, और बहुत से लोग इसमें डूब के मर भी गए हैं, बहुत से लोगों का यहाँ पर डूब के मरने के बाद पता भी नहीं चला है कि आखिर वो गए कहाँ, क्योंकि जमीन के नीचे ही नीचे खोखला है,
जो लगभग 20-25 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, तो सभी जगह पानी है। और अगर कोई इंसान डूब जाता है, दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड में कहां पर इंसान जाएगा कोई पता ही नहीं है। बहुत खतरनाक इलाका है, फिर भी लोग यहां नहाने आते हैं। उनके पास में कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मछलियां पकड़ते हैं, मछली पकड़ के ले जाते हैं, फ्री का मछली है। कोई यहां पर कानूनी प्रबंध नहीं लगा हुआ कि आप मछली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये खदानी मछली है। बड़ा बड़ा मछली मिलता है, उसको उठाने के लिए भी कई लोगों का हेल्प लिया जाता है। फिलहाल अभी मुझे कोई मछली पकड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये भैया लोग हमारा हेल्प किए, थोड़ा इनका दिखा दीजिए। ये लोग भी हमको जानकारी देने में मदद किए। आपको कोई अगर यहाँ के बारे में जानकारी है तो बताइए, पूरा भारत दिखेगा। अच्छा, ये जो खदान है महावीर का है, ठीक है। महावीर पैच जो है यहाँ से कोयला निकल गया था, ठीक है, फिर पानी में भर गया पूरा। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। ये जो एक फिल्म बन रहा है अक्षय कुमार का, जानते हैं? हाँ, बोलिए। वो फिल्म बन रहा है कैप्सूल की, वो फिल्म बन रहा है इसी के ऊपर में। हाँ, तो लोगों को जानकारी दीजिए कि जो घटना जो घटा था महावीर वाला, जिसमें जमीन के अंदर लगभग 220 लोग काम कर रहा था, जिसमें से 149 आदमी को निकाला गया, 64 आदमी फंस गया, क्या हुआ था उस दिन? तो पूरा जो भीतर में जो कोयला था, खदान में काम कर रहा था श्रमिक, तो भीतर में क्या हुआ, पानी आ गया। फिर जो एक पंजाबी था, क्या नाम है उसका, जसवंत सिंह गिल, तो उसने एक तो मशीन बनाया था कैप्सूल, तो वही कैप्सूल से सबको निकल लिया था। इसीलिए फिल्म का नाम रखा गया है कैप्सूल, क्योंकि वो कैप्सूल एक्चुअली उस तरह के स्टील का बनाया गया था। उसके अंदर से ही, उसके अंदर में यशवंत सिंह गिल खुद बैठ के जमीन के नीचे गए थे और जमीन के नीचे से लोगों को उठा के बाहर लाए थे। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करेंगे कि इतना सुंदर जानकारी इनसे भी हम लोगों को यहाँ पर मिला। थैंक यू सो मच। क्या नाम है अपना बताइए? शंभू सूत्रधर। इधर ही रहते हैं? हाँ, पर घर है। अच्छा, इनका घर सियारसोल बगल में ही है, खदान के पीछे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आर्य पार्टनर कुछ है, ठीक है, ऑफ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, ये भी एक खदान है। थोड़ा खदान दिखा दीजिए, उसके बाद बताते हैं पहले कैसा खदान, दिखा दीजिए। ठीक है, पीछे लेके जाइए, पीछे लेके। तो दोस्तों, ये जो खदान है, वास्तव में यहाँ अगल बगल में खेत भी है, कुछ लोग खेती करते हैं, तो इस खदान से जो पानी है वो उठाकर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका एक अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन खतरा बरकरार है, बहुत गहरा है। अगर कोई गिर जाए तो बचना मुश्किल है, अगर तैरना नहीं आता है तो। अगर तैरना आता है तो दोस्तों जान बच सकती है, और नहीं तो दोस्तों फिर मिलेंगे, अगले जन्म में वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, पूरा ब्लॉग तो बन गया है। ब्लॉग बनने के बाद ये बैक द स्क्रीन है। अब हम लोग बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। सभी लोग मेरे जो सहयोगी हैं, ये लोग अपने अपने घर रिटर्न चले जाएंगे।